नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतलिक बहुत सारे लोग ये ख्याल रखते थे कि चूँकि बहुत सारी दूसरी जमातों से इस जमात में लोग शामिल हो रहे हैं तो ये जमात करप्ट लोगों की जमात मान रही है और उन्हीं करप्ट लोगों को टिकट दिया जाएगा, जबकि उन लोगों की राय को, उन लोगों के ख्याल को इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत कर दिया। इमरान खान साहब ने मेरिट पर टिकट देने का आगाज़ कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग जो दूसरी जमात को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे काफ़ी नाराज़ हैं। उन लोगों के लिए इमरान खान साहब ने खसूसी पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, ज़रा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरी सरबराई में ज़्यादातर जो हमारे टिकट्स थे वो हमने अनाउंस कर दिए। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि तकरीबन 4,500 एप्लीकेंट्स थे और हमने टिकट्स दिए अभी गालिबन 400-500 तक, तो जाहिर है कि हर किसी को टिकट नहीं मिला। मैं लेकिन आप सबको शोर करना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की होगी, मुश्किल काम था, पूरी कोशिश की, दयानतदारी से हम टिकट्स दें और हम मुशावरत करें, लोगों से भी हमने पूछा और जिधर हमें शक पड़ा सर्वेस करवाया, यानी हमने बाकायदा सर्वेस भी का फ़ायदा लिया रिजल्ट अनाउंस करने से पहले। तो मैं जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ शिरकत करनी है नया पाकिस्तान बनाने के लिए। एक बड़ी ख्वाब है नया पाकिस्तान की, ये जो हम टीम लेके आ रहे हैं और अभी भी हमने थोड़े से टिकट्स दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी मदद करेंगे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। इसमें हमने अपने पुराने लोगों की जिनकी वफादारी थी पार्टी से उनको भी मदद नज़र रखा और उसमें फिर कई जगह जो हमारे यहाँ के खाली थे नए लोग भी आए। हमने ये भी देखा कि जो कौन बेहतरीन कैंडिडेट है जो इलेक्शन जीत सके, मेरिट का पूरा हमने ध्यान रखा। और मैं फिर ये कहता हूँ कि हमने कोशिश अपनी पूरी की, तो लेकिन जो लोगों को टिकट नहीं मिले, मैं फिर से आपको कहता हूँ कि मुझे पता है कि आपको मायूसी हुई होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे साथ शिरकत करें। ये जो बड़ा एक ख्वाब है पाकिस्तान, शुक्रिया।